अभी हम स्लम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये यूज होता है मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो IS कोड 1199 में दिया है मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी। बेसिकली तीन टेस्ट होते हैं, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ठीक है, हम इस अभी स्लम टेस्ट के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। तो स्लम टेस्ट में क्या होता है, क्या क्या यूज होता है और कौन सा माउल्ड यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। एक स्लम माउल्ड होता है जिसका लोअर डायमीटर, जो बॉटम डायमीटर होता है वो 200 mm का होता है और टॉप मोस्ट डायमीटर जो होता है वो 100 mm का होता है। इसकी टोटल हाइट जो है वो 300 mm की होती है। ठीक, इसके अलावा हम टेम्पिंग रॉड, इस माउल्ड के अलावा हम टेम्पिंग रॉड, ट्रॉवल यूज करते हैं। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं स्लम टेस्ट करने के लिए उसकी मैक्सिमम साइज जो है वो 38 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज 38 mm होना चाहिए। ठीक, हम क्या करते हैं, प्रोसीजर में बात करें तो हम क्या करते हैं कि इस माउल में हम 1/4 part जो है वो एग्रीगेट प्लेस करते हैं, फिर टेम्पिंग रॉड से इसको टेम्पर करते हैं ताकि इसमें जो वॉइड्स है वो रिमूव हो सके। ऐसे नेक्स्ट 1/4 part फिल करते हैं, फिर इसको टेम्पर करते हैं, फिर थर्ड 1/4 part फिल करते हैं, फिर इसको टेम्पर करते हैं। ऐसे करते करते हम इसको पूरे मॉल को फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद ट्रॉवल से इसके अपर सरफेस को लेवल कर देते हैं। ठीक, जो हम लोग टेम्पिंग करते हैं वो 25 blow per quarter करते हैं, मतलब एक क्वार्टर फिल करने के बाद हम 25 blow टेम्पर करते हैं। फिल करने के बाद जैसे ही ये मॉल्ड फिल हो गया तो हम क्या करते हैं कि इस मॉल्ड को जेंटली अपवर्ड डायरेक्शन में रिमूव कर देते हैं ताकि कंक्रीट को कोई भी इफेक्ट ना करे। ठीक है, बिना कंक्रीट को जर्क दिए हम इसको रिमूव करते हैं। जैसे इसको रिमूव करते हैं तो कंक्रीट का साइज जो है वो चेंज हो जाता है, शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही मॉल्ड को रिमूव करेंगे तो कंक्रीट का साइज जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो अगर माउल से कंक्रीट की हाइट बहुत नॉमिनल मतलब डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, तो उसको ट्रू स्लम्प बोलते हैं। ठीक, और अगर ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इन हाइट के बीच में डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा कंक्रीट और माउल का, तो वो अलग अलग नाम होता जाएगा। जैसे अगर मीडियम है हाइट में डिफरेंस तो उसको सियर स्लम्प बोलते हैं, और माउल्ड को निकालते ही अगर कंक्रीट जो है वो कोलैप्स करके सरफेस पे फैल गया तो उसको बोलते हैं कोलैप्स स्लम्प। ठीक है, ट्रू स्लम्प ही हम लोग यूज करते हैं मेनली कंस्ट्रक्शन में, और सीयर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प जो है वो नहीं होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टिंग और प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये नॉन कोहेसिव हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक, इससे प्रॉब्लम पोरोसिटी और ड्यूरेबिलिटी में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये है स्लम्प टेस्ट। थैंक यू।